दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर पति शादीशुदा है, कोई भी व्यक्ति अगर शादीशुदा है तो बिना तलाक के क्या वो लिव इन रिलेशनशिप या फिर एडल्ट्री में रह सकता है या नहीं रह सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शादीशुदा व्यक्ति की, मतलब यहाँ पे पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है। दोनों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आए दिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट का मामला आते रहते हैं, आप भी देखते होंगे। कई सालों से केस चलते भी रहते हैं। लोग, एक पार्टनर चाहता है कि साहब मुझे तो शादी करना है, एक पार्टनर चाहता है कि साहब मुझे तो सेकंड शादी करना ही नहीं है, तो मुझे मतलब नहीं कि कितना ही लंबे चल जाए। लेकिन कहीं लोग परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो पति हो सकता है चाहे वो पत्नी हो सकती है। अब ऐसे कंडीशन में वो विचार करता है कि साहब मुझे तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि बिना तलाक के अगर मैं शादी करूँगा तो बाय गेमिंग मानी जाएगी और अलीगल शादी रहेगी, तो कोई शादी भी नहीं करेगा। लेकिन मेरी महिला मित्र या कोई भी पुरुष मित्र होता है, उसके साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं, तो ऐसे कंडीशन में क्या मैं रह सकती हूं? देखिए, ऐसी कोई भी आपकी बाउंडिंग नहीं है। 497 आपको पता है आईपीसी से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। एडल्ट्री, शादी के बाद भी कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के साथ रहता है बिना शादी के, तो वह एक एडल्ट्री कैटेगरी मानी जाती है, ना कि लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप तब होता है जब आप शादीशुदा नहीं होते हो। लेकिन शादी के बाद अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रहते हो, थर्ड व्यक्ति के साथ रहते हो, तो वो एडल्ट्री कैटेगरी माना जाता है। अब एडल्ट्री में आज की डेट पर आपको पता है जिस भी पार्टी को ऑब्जेक्शन है वो इसके ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकता है। जी हाँ, माना कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि वाइफ किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही है, ठीक है, तो अगर पति को पति आ रही है तो इस सिचुएशन में वो उससे डाइवोर्स ले सकता है एडल्ट्री ग्राउंड के आधार पे। हाँ, पति को उससे मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन साथ में पति एक जिसके साथ रह रही है उसमें 498 का केस कर सकता है। क्रिमिनल केस होता है जो कि आईपीसी का केस होता है। अब ये 498 का क्या केस होती, क्या बला होती, इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, 498 का केस का मतलब ये होता है कि भाई कोई शादीशुदा महिला है, उसके बीच में षड्यंत्र रच के उसको बहला फुसला कर अपने साथ रखना या पति के खिलाफ कोई भी साजिश रचना, इसकी कैटेगरी में अगर वह इसके केस करता है तो उस पर केस बन जाता है। लेकिन अगर दोनों आके 161 के बयान 164 के बयान में कहते हैं कि हमारी सोच अनुसार हमने साथ रही है, हम एक एडल्ट्री में रहते हैं, तो ऐसी में वो केस खारिज हो जाता है और पति को डाइवोर्स मिल जाता है। लेकिन अगर बाय चांस कोई भी पत्नी रह रही है, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कोई पति रह रहा है, मैं पत्नी का तो बता दिया, लेकिन पति रह रहा है इसी में, तो पत्नी को अगर आपत्ति है तो वो अपना एक वन टाइम एलिमनी ले सकती है अच्छी वाली, ठीक है, मेंटेनेंस ले सकती है, इक्वल टू डीवी केस में वो होम ले सकती है, रेंट ले सकती है, सब कुछ ले सकती है और वन टाइम एलिमनी भी ले सकती है, तो ये सब कुछ लेके वो उससे दूर हो सकती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति शादीशुदा है वो एडल्ट्री में रहना चाहता है, लिमिट में रहना चाहता है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो आसानी से रह सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो आपका सवाल कमेंट में बार बार आता रहता है, कहीं लोगों के आते रहते हैं, तो उसके अनुसार ये इस वीडियो में आपका जवाब दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट में छोड़ दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।